काल। आओ बच्चों, अब हम काल के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो, अर्थात ये पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, हो चुकी है या होगी, उसे काल कहते हैं। क, रेनू ने पुरस्कार जीता। ख, अपर्णा चित्र बना रही है। ग, ऋतु बाजार जाएगी। कुछ क्रियाएं घटित हो चुकी होती हैं, तो कुछ क्रियाएं वर्तमान समय में हो रही होती हैं, तो कुछ क्रियाएं भविष्य में घटित होती हैं। आओ बच्चों, अब हम काल के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। काल के तीन भेद होते हैं। एक, भूतकाल। दो, वर्तमान काल। तीन, भविष्यकाल। आओ बच्चों, भूतकाल के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पिताजी बाजार गए थे, मैंने खाना खा लिया। यहाँ पर गए थे और खा लिया से क्रिया के हो जाने का बोध होता है, अतः ये भूतकाल है। भूतकाल के छह भेद हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। क, सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, राखी ने चित्र बनाया, अपूर्वा ने गीत सुनाया। यहां बनाया और सुनाया क्रिया बीते समय में हुई है। ख, आसन्न भूत। आसन्न अर्थात निकट या पास। जब क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हो, उसे आसन्न भूत कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, नीरा ने पाठ पढ़ लिया, हिमांशु सोकर उठ गया। यहां पढ़ लिया और उठ गया क्रिया के अभी अभी होने का बोध होता है, अतः ये आसन्न भूत है। ग, अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने का तो बोध होता है, पर ये ज्ञात नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुई अथवा नहीं, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, लोग समाचार सुन रहे थे, राकेश टेलीफोन पे बात कर रहा था। यहां सुन रहे थे तथा कर रहा था से क्रिया समापन का स्पष्ट अनुभव नहीं हो रहा, अतः ये अपूर्ण भूत है। घ, पूर्ण भूत। जब क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी हो, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, महिमा खाना बना चुकी थी, बारिश थम चुकी थी। यहां बना चुकी थी तथा थम चुकी थी से क्रिया समापन का भाव स्पष्ट हो रहा है, अतः ये पूर्ण भूत है। अंग, संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी, देवांश टेनिस खेलने चला गया होगा। यहां हो चुकी होगी तथा चला गया होगा से क्रिया के होने में संदेह का भाव है, अतः ये संदिग्ध भूत हैं। हेतु हेतु मद भूत। जब क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मद भूत कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि चुनाव होते तो मैं जरूर वोट देता। आओ बच्चों, वर्तमान काल के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। क, गीतिका खेल रही है। ख, टीवी पर समाचार आ रहे हैं। इन उदाहरणों से पता चलता है कि क्रिया अभी चल रही है, अतः ये वर्तमान काल का बोध कराते हैं। बच्चों, वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं।
सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। क, सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का जो रूप उसके वर्तमान काल में होने के बारे में बताता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, गाड़ी चल रही है, प्रियंका पत्र लिख रही है। यहाँ चल रही है तथा लिख रही है से क्रिया के वर्तमान में होने का पता चलता है, अतः ये सामान्य वर्तमान काल है। ख, अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं, माँ आराम कर रही है। इन उदाहरणों से क्रिया के वर्तमान में पूर्ण न होने का भाव प्रकट होता है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल है। ग, संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, राजू रो रहा होगा, प्रदर्शनी चल रही होगी। यहाँ क्रिया के वर्तमान में घटित होने का संदेहात्मक भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। आओ बच्चों, भविष्यत काल के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में कार्य होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। बच्चों, भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। का सामान्य भविष्यत, क्रिया का जो रूप उसके भविष्य में होने का बोध कराए उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। कल धूप निकलेगी, कल हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे। यहाँ क्रिया के भविष्य में होने का भाव प्रकट हो रहा है। ख, संभाव्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। आओ बच्चों, इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। शायद हम मैच जीत जाएं, संभव है कि वर्षा हो। यहाँ क्रिया के भविष्य में होने की संभावना जताई जा रही है, अतः ये संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं।